हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस तो आज हम देखने वाले हैं कि जो आपका एस ओ एस सी है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फोर के लिए क्लास नाइन्थ के लिए अगर ऐसी कोई बिग अपडेट आई है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड तो उसके बारे में आज हम जानेंगे क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे मैम एडमिट कार्ड कब आएगा कैसे उसको डाउनलोड करें बहुत सारे मतलब इतनी कमेंट्स थी कि मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक एक को सेपरेटली रिप्लाई करूँ एक जैसा तो फिर टाइम वेस्ट होगा मेरा इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि आप सभी को पता चल जाए कि एडमिट कार्ड एग्जैक्टली कब आ सकता है ठीक है हम एक अनुमान लगा सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट का हम अंदाजा लगा सकते कि उस टाइम तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा सो so, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन बटन को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लें क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे लाइक आपको एक तो हर जो डोमिन उसके आपको सेपरेटली जो कोर्सेज है वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे एंड आपको पता है कि डेली आपकी मेम्बर्स के लिए वीडियोज आती हैं आपके अगर कोई ऐसे फ्रेंड है मेंबर्स वाले जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन किया तो आप उसे पूछ सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा बेनिफिट

डोमेन्स में मैथ्स हो गया रीजनिंग हो गया साइंस हो गया ह्यूमैनिटीज हो गया ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कराए जा रहे हैं तो जल्दी से आप सभी जाके ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं उसका प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है आज जिस बारे में हम बात करने वाले सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ कि कितने सारे क्वेश्चन आए हुए थे मेरे पास कि मैम एडमिट कार्ड कब आएगा बता दो एडमिट कार्ड की क्या कोई मतलब एक्सटेंड हो गई है डेट या फिर हम एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें भाई बच्चों के तो क्वेश्चन भी ये आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे किया जाए मैं पढ़ पढ़ के हंस रही हूं कि भाई एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है तो तुम डाउनलोड कहां से करोगे है ना और काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम क्या एडमिट कार्ड की डेट बढ़ गई है एडमिट कार्ड कब आएगा उसको डाउनलोड कैसे करें बहुत सारे अलग 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 क्वेश्चंस जो है वो आए जा रहे हैं एडमिट कार्ड कब आना है कैसे आना है कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे क्या उसका प्रोसेस रहता है डाउनलोड करने का सब कुछ तो देखो अभी इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है एडमिट कार्ड को आने में अभी टाइम है अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि देखो मैंने स्टार्टिंग से आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एडमिट कार्ड होता है वो आपके एग्ज़ाम जो डेट है जब आपको आपके एग्जाम डेट मिल जाती है उससे लगा लो कि वीक, वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, है? ठीक हमेशा इस चीज को ध्यान रखना मैंने पिछले साल भी एनालाइज किया था उससे पिछले साल भी एनालाइज किया था कि आपका जो एडमिट कार्ड था वो आपके पेपर से एक, मह, एक, महिना नहीं, एक हफ्ते पहले आना है ठीक है वन वीक ओनली एंड ओनली मतलब कि अगर आपका एडमिट कार्ड मानो एज्यूम करो कि आपका एडमिट तो कार्ड आज, आज आ गया है तो सपोज करो आज की डेट क्या है आज ट्वेंटी सेवन जनवरी ठीक है अगर आपका एडमिट कार्ड आज आ गया है विच मीन्स कि आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर पेपर हो जाएगा ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलिए तो अगर एडमिट कार्ड आ जाता है इसका मतलब साफ ये होगा कि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा ठीक है फिर वो जो टाइम होता है बहुत प्रीशियस होता है और ऐसे चुटकियों में वो टाइम बीतता है तो अभी तो अगर जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर रिवीजन हुई नहीं है वो भगवान से यही प्रे करो कि अभी एडमिट कार्ड ना आए और क्या पता आपकी भगवान प्रे सुन ले वैसे तो मेरे ख्याल से एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा जितना मुझे पता है सूत्रों के हिसाब से भाई जो आपका एडमिट कार्ड है वो जनवरी में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है क्योंकि अगर जनवरी में आता तो अभी तक आ चुका होता अभी तक जनवरी में एडमिट कार्ड आपका आया नहीं है दिन ही कितने बच गए जनवरी के अभी ट्वेंटी सेवन है आज अब और मान लो तीन चार दिन बचे हुए हैं उससे ज़्यादा नहीं ठीक है तो जनवरी में तो आए नहीं का और एक और बात बताऊँ जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट थी वो एक्सटेंड की गई थी वो सत दस जनवरी से सत्रह जनवरी कर दी गई थी सबको पता ये चीज़ और काफ़ी सारे बच्चों ने इसका बेनिफिट भी उठाया है और दोबारा से काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म जो है वो भी भरा है काफ़ी सारे बच्चों ने करेक्शन की है तो उनके लिए अच्छा था अब देखो कि जहाँ पर आपकी डेट दस जनवरी थी लास्ट अब वहाँ पर कर दी गई है सत्रह जनवरी विच मीन्स आपका एक जो हफ्ता था पूरा का पूरा वन वीक जो था वो एक्सटेंड किया गया एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्योंकि जो जो है है उसको उसको लगा कि अभी तक बच्चों ने, बच्चों ने ने सभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म वो नहीं भरे हैं इस वजह से उसने उसको बढ़ाया ठीक है तो क्या आप ये मतलब सोच सकते हैं कि एडमिट कार्ड अभी आ जाएगा मैं बता सकती हूं देखो एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने स्पेशली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ था कि एडमिट कार्ड जनवरी के लास्ट वीक में आएगा बट क्या हुआ नहीं आया है ना आप सभी को पता है नहीं आया और उन्होंने ये भी कहा था कि जो फेबररी है उसके फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे तो देखो ये दोनों बातें यहाँ से थोड़ी धुंधली सी प्रतीत हो रही हैं क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक नहीं आया है तो अगर आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है विच मीन्स आपका फर्स्ट वीक में आएगा जो फेबररी है फेबररी का जो फर्स्ट वीक रहने वाला है वो भाई बहुत धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो पता चलेंगी एक तो एडमिट करके पता चलेगा दूसरा आपको आपकी डेट जो है वो मिल जाती है ऑलमोस्ट लगा लो कि अगर आपके सेकेंड या थर्ड वीक में है फेब्ररी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आपको आपकी डेट जो है वो फर्स्ट और सेकंड वीक के बीच में पता ही चल जाएंगी साथ ही साथ बता दूं कि आपको डेट आपकी जो पता चलेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आती ही है मैं आपको बताऊंगी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दूं प्लस में आपका जो न्यूज़पेपर होता है उसमें भी आती है ठीक है सो न्यूज़ पेपर जिसके घर में आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है जिसके घर में नहीं आता कोई बात नहीं फिजूल में पैसा मत खर्च करो अगर नहीं पढ़ना है तो न्यूज़ पेपर को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको पता चल जाएगा ठीक है उसकी टेंशन नहीं लेनी की डेट कब आएगी एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा देखो कभी भी थोड़ी सी भी अगर ऐसा जो है हलचल देता है तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देती हूँ तो मेरे ख्याल से अभी एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है आपका एडमिट कार्ड जो है वो आएगा फर्स्ट वीक ऑफ फेब्ररी के और मेरे ख्याल से सेकेंड या फिर थर्ड वीक ऑफ फेब्ररी में आपके एग्जाम होने होंगे और ये जो चीज मैं कह रही हूँ इसके लिए भाई बहुत खुश हो जाओ क्योंकि काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों भाई हमारे एग्जाम्स भी आएंगे अकेडमिक ईयर के आप सभी को पता है कि आपके मार्च या अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम हो जाने हैं है ना डेट शीट मिल गई होगी अभी तक नहीं मिली तो मिल जाएगी जो आपके क्लास एट्थ क्लास के जो आपके एग्जाम होंगे स्कूल जो लेता है वो भी आपके होने वाले तो काफ़ी बच्चे इससे टेंसड होंगे लेकिन देखो आपको मेन चीज क्या करनी है एट्थ में तो हमें ये लगा लो कि हमारे अगर साठ सत्तर अस्सी नब्बे कितने परसेंट आ जाए अगर हमारा एसओ एस में सिलेक्शन हो जाता है तो उससे ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़

ठीक है जिसे नहीं देखी उसके लिए मैं दोबारा भी बनाने की कोशिश कर सकती हूं अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो तो आपको यहां से क्लियर हो चुका होगा कि आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आने वाला है तो अगर एडमिट कार्ड आया ही नहीं है तो प्लीज ऐसे सिली क्वेश्चन मत करो कि एडमिट कार्ड, कार्ड को हम डाउनलोड कैसे करें क्योंकि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक उसको डाउनलोड करने का सवाल बिल्कुल भी नहीं बनता है ठीक है एडमिट कार्ड आने के बाद वो सवाल जो है वो जेनुअन होगा ओके सो आई गेस अभी सबकी जो कंफ्यूजन थी वो सब कुछ दूर हो चुकी होगी आपका एडमिट कार्ड फेब्रवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा या फिर सेकेंड वीक में आ जाएगा एंड देन उसके बाद आपकी जो डेट है वो आपको मिल जाएगी ठीक है क्लियर है यहां से तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी वीडियोस के साथ तब तक के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में कमेंट कर सकते हैं मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है ज्वाइन बटन पे क्लिक करो और पेमेंट करो और आप एक महीने के लिए अपनी जो मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कर लो और उसके बाद आप आसानी से पढ़ सकते हो ठीक है एंड आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आपका और हमारा एक ही चैनल है यूनिक क्लासेस साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी से कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है वो मिलती है प्लस में जो वीडियोज की अपडेट है वो मिल जाते हैं कि कब आएगी वीडियो एंड आपका जो इंस्टाग्राम आई है योनिक क्लासेस की वो योनिक क्लासेस के नाम से है कोई भी दिक्कत है वहां जाके फ्रीली आप मुझे डीएम करो मैं आपके जो मैसेजेस है उनका रिस्पांस देने की जल्दी जल्दी कोशिश करती हूं लेकिन जो क्वेश्चन अब आपको जैनवन होने चाहिए राइट और अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से कमेंट करके छोटा सा बता दो कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो तो चलिए आज के लिए इतना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यून्ड